शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और जट लुटे आ गया। मेरे दिल की चिड़ी फुर करके उड़ी, मैंने देखी हाय एक सोनी कुड़ी। मेरे दिल की चिड़ी फुर करके उड़ी, मैंने देखी हाय एक सोनी कुड़ी। की कड़ा ओए होए पटिया गया, जट लुटिया गया, जट लुटिया गया, ओए ओए जट लुटिया गया। देखी हाय एक सोनी कुड़ी, की करा ओए होए पटिया गया, लुटिया गया, ओ जट लुटिया गया, ओए ओए जट लुटिया गया। जट लुटिया गया हाय, जट लुटिया गया। हमें प्यार तुमसे हो गया, जा दीवाने भूल जा, तू दीवाना हो गया। सर से पांव तक तुम्हें देखा मैं खो गया, लुटिया गया, ओ जट लुटिया गया, ओए ओए जट लुटिया गया। मेरे दिल की चिड़ी फुर करके उड़ी, मैंने देखी जब एक सोनी कुड़ी। लुटिया गया ओए ओए जट लुटिया गया, लुटिया गया ओ जट लुटिया गया, ओए ओए जट लुटिया गया।
ये देखिए किसके साथ है आपका मुख्तार अहमद और किसके गले मिल रहे हैं ये? आईएसआई का एजेंट वाजिद अली है ये। बॉम्ब ब्लास्ट का मेन एक्यूज, अब आप बताइए और वो सबूत चाहिए आपको? नवाब साहब, आपकी कंपनीज, आपका नाम और आपकी पोजीशन का अगर ख्याल नहीं होता तो कब के गिरफ्तार हो गए होते आपके मुख्तार अहमद? आज के बाद मुख्तार अहमद का नाम मंसूर अली खान के नाम के साथ कभी नहीं जुड़ेगा। नवाब साहब, हमें आपसे अकेले में बात करनी है, अंदर आइए। इन कागजात पर साइन कर दो। जी। इनमें लिखा है खान फायरवर्क्स की आड़ में आपने टेररिस्ट ग्रुप को रॉ मटेरियल सप्लाई किया है। जी मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा तो फिर ये क्या है? क्या है ये? है कोई जवाब आपके पास? धीरे बोलिए नवाब साहब, पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। कल मेरी बेटी शाहना का निकाह है, मेरे बीवी बच्चे मेरे हाथों में हथकड़ी देखेंगे तो खुदकुशी कर लेंगे। रहम कीजिए नवाब साहब, खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए। भाई साहब मुझे अंदर नहीं, नहीं, अंदर मत जाइए, उनको बात करने दीजिए। अरे भाई वो मेरे अब्बू हैं। नहीं नहीं, वो आराम से बात कर रहे हैं, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं। अरे मेरे अब्बू अंदर हैं, मुसीबत में। अरे आप समझते नहीं, मेरे अब्बू अंदर हैं, मुश्किल में हैं, मेरी जरूरत है भाई। खुदा जानता है मैंने जो कुछ भी किया पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपनी कौम, अपने मजहब। शट अप! कौम और मजहब का नाम लेते हुए शर्म नहीं आती आपको? इस तरह कौम की मदद की जाती है? आज आप जैसे लोगों की वजह से ही सबसे पहले हम पर शक किया जाता है, इससे पहले कि हम अपने आप से बाहर हो जाएं। साइन इट यार। रहम कीजिए नवाब साहब। भाई साहब साइन इट। शाहना, उसकी अम्मी और नजीर को ऊपर भेजना। जी साहब ने आप दोनों को ऊपर बुलाया है। ऊपर? अबू वो पुलिस। मुझे माफ कर देना।
क्या हो गया तुम्हें? हाँ, क्यों मारा उसे? क्या किया था उसने? कभी किसी का हाथ तोड़ देते हो, कभी किसी की टांग काट देते हो, कब तक संभालेंगे हम? एक बार कितनी बार? श्रीवास्तव जी, अगर अब आपने इसके ये पैसे लिए तो ये ठीक नहीं होगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा था ये आदमी हमारे लिए एक दिन मुसीबत खड़ी करके रख देगा, लेकिन आप माने ही नहीं। उसके लिए स्पेशल कमरा, स्पेशल फैसिलिटी। सर, पुलिस हथकड़ियां डाल के ले जाएगी, तब समझ में आएगा आपको। सर, हम लोगों ने इस पागल को ठीक करके बहुत बड़ी गलती की है। ये पागल था, इसे पागल ही रहने देना चाहिए था। न ये ठीक होता, न ये नौबत आती। देखिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी तक इससे जितने पैसे हमने लिए हैं, बदले में इसके लिए काफी कुछ कर चुके हैं हम। अब हटा दीजिए इसे। नजीर, ये तुम्हें अचानक क्या हो जाता है? अब किस बात का गुस्सा? ले तो लिया ना बदला तुमने, मार डाला ना नवाब और उसकी बीवी को, फिर क्यों तुम्हारे सिर पे खून सवार रहता? बच्चा जिंदा है ना, और जब तक वो जिंदा है मैं जी नहीं सकता, सो नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसे मरना होगा। ऊपर वाले ने मुझे इसीलिए बचाया है, उसे मारने के लिए। नवाब का कुछ नहीं बचना चाहिए। मैं उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। अगर बच्चा नहीं मरा तो नवाब का नाम नहीं मरेगा। मैं उसे मारूंगा और मैं जिंदा रहूंगा। अगर मैं जिंदा रहा तो मेरे अब्बू का नाम जिंदा रहेगा, मेरी फैमिली बची रहेगी। मुझे अपनी फैमिली को बचाना है, उसको मारना है। I will kill him. को प्लेन दे दिया है ना? Your plane is gone, baby gone. लेकिन फिर भी आज बहुत मजा आया। Yeah. MO2, क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ कि उस अकड़ू चिंपैंजी को अपने कंट्रोल में कैसे करूँ। मेरे डायलॉग बाजी से भी वो नहीं डरा। डर तो मुझे लग रहा है यार, टाल्टा को क्या फटका मारा था, बाप रे। He's a he-man, no? चुप, चिंपैंजी की चमची। पता है आजकल वो चीफ से बहुत डरता है। पर क्यों डरता है चीफ? ऐसे ही। पर तुमने किया क्या? कुछ नहीं। डराने वाली कोई चीज दिखाई होगी? I think you're hiding something. बताती हूँ। Actually, मैंने उसे बॉम्बे दिखा दिया। बॉम्बे? 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 लेकिन वो बॉम्बे देख के कैसे डर गया? मोटू, जो पहली बार बॉम्बे देखता है ना, डर जाता है। डाल रहा हूँ साहेब। वो क्या ना, क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो भूख बहुत लगती है। तो थथला क्यों रहा? जाओ। थैंक यू। ये बच्चा लोग, अबू बाबा, ये आ गया आपका फ्रूट। हाँ, ये लीजिए। हम हैं बनारस के भैया। क्या हुआ? ये डालडा, उनको शक तो नहीं हुआ? अरे शक कैसे होना था, एक मिनट में उल्लू बना दिया। बहुत 30 मार खा समझता था अपने आप को। अरे बंदूक को इधर से उधर कर रहा था, और हम सुबह से अबू बाबा को यहां से वहां कर दिए हैं, अभी तक पता नहीं चला। अरे आमलेट बना, चल चल। ओए ओए, क्या हो रहा है? पाइल्स पांडे जी, तुम्हारी पाइल्स ठीक हो गई है? जी हाँ, ऑलमोस्ट। पीछे क्या छुपा रहा है? जी वो दवाई, दवाई है साहब। दवाई दिखा। पटियाला पानी? नहीं सर, वो चलेगा। नीट। दर्शकों ने मैदान में बोतलें फेंकनी शुरू कर दी है। आम जनता ने भी इस फैसले का विरोध किया है।
पुलिस आयुक्त ने आम जनता से अपील करेंगे। अरे जो कुछ कर सकता है उसे बच्चे का बॉडीगार्ड बना दिया। अरे मैं वहाँ होता तो सबको ठीक कर देता। क्यों बांडे? कुछ नहीं सर। इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है साहब? वो अबू बाबा तो सुबह से ही बाहर गए हैं साहब। क्या साहब? वो सपना जी आई थी और क्रिकेट मैच के लिए सर जी वो बोल रही थी कि फायर ब्रिगेड को बुलाओ। yes. एक दो बार एम्बुलेंस अरेंज करो। फायर ब्रिगेड को फोन किया। yes. नहीं, राजवीर। जय हिंद सर। किसे ढूंढ रहे हो? इस तरह अपनी ड्यूटी करते हो? उस बच्चे के साथ 24 घंटे रहने के लिए कहा गया था कि नहीं? कहा थे तुम? तुम्हें यहां बुलाकर हम लोगों ने गलती की है। वहां गांव में बैठकर भैंस का दूध निकालने के लायक हो तुम? अरे एक बच्चे को संभाल नहीं सकते और बड़ी बड़ी बातें करते हो, इडियट। अब इस तरह स्टैचू बनकर खड़े क्यों हो? जाओ चादर तान कर सो जाओ, घर जाओ। आई सेड गो।